अच्छा गाइस, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ जो है ना आपके पास, जो टोटल 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बुक में बड़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी उनकी गिवन है, तो बोर्ड पे लिखने से बेहतर रहता है, मैंने कहा बुक में ही समझा देता हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल भी गिवन है तो बुक से हम देख के समझ लेते हैं। सही है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ जो है डिटर्मिनेंट की, ये ऑर्डर 3 की है, लेकिन उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑल्सो वैलिड फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर। तो किसी भी ऑर्डर में हो ना, 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर, सब में आपके पास ही प्रॉपर्टी वैलिड है। सही है। अच्छा, इसमें R1, R2, R3, ये रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और C1, C2, C3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो मॉड जिसको आप लोग कहते हो ना, तो मैट्रिक्स में इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ये आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने डिटेल से बताया था डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं। सही है। तो अब प्रॉपर्टीज़ देख लो, फिर 4.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड बाई चेंजिंग इट्स रॉज एंड कॉलम, दैट इज़ फॉर एनी मैट्रिक्स ए। अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, वो बराबर आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला 5 के बराबर आया, अगर आप इस मैट्रिक्स में रॉस को कॉलम में तब्दील कर दो, या दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे 1, 2, 3 रॉ है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 3, 4, 6 रॉ है मेरे पास, को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 4, 7, 8 रॉ है मेरे पास और इसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप रॉस और कॉलम चेंज कर दो, तब भी उसके डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो आपके पास चेंज नहीं होगी, जो पहले वैल्यू थी वो ट्रांसपोज देने के बाद जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, तब भी आपके पास वही वैल्यू आएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रॉज और ऑफ एनी टू कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स चेंजेस द साइन ऑफ इज डिटरमिनेंट विदाउट अल्टरिंग इट्स ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, मुझे पढ़ने में मसला हो रहा है, ट्राईपॉड मेरा दरमियान में आ रहा है। कहने का उनका मतलब ये है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, सही, इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो 1 के बराबर आता है। सही है। अगर आप इस मैट्रिक्स में किसी भी दो रॉस को या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स थी, इसमें क्या किया उन्होंने, सेकेंड और थर्ड रॉ जो है उसको इंटरचेंज कर दिया, 2, 3, 5 या इंटरचेंज करके उन्होंने 2, 3, 5 नीचे लिख दिया, फिर 3, 5, 7 ये थर्ड रॉ थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, सेकेंड बना दिया, मतलब R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया उन्होंने। अब जब इंटरचेंज किया, उसके बाद जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, तो वो क्या आ रही है, -1 के बराबर आ रही है। तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स के रॉस या कोई कॉलम इंटरचेंज करते हो, तो होता यह है कि वैल्यू तो आपके पास सेम रहती है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सिर्फ साइन क्या होता है, वो अपोजिट हो जाता है। जैसे ये उन्होंने लिखा हुआ था कि जो डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है विदाउट ऑल्टरिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इसकी भी वैल्यू 1 आ रही थी और इंटरचेंज करने के बाद भी वैल्यू 1 आ रही है, सिर्फ साइन चेंज हो गया। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो आपके पास नेगेटिव हो गया। सही है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने कॉलम की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने दो कॉलम को इंटरचेंज किया आपस में, C1 और C2 को उन्होंने इंटरचेंज किया, तब आप डिटरमिनेंट निकाला, तब भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -1, इसकी पॉजिटिव आ रही थी, साइन चेंज होकर नेगेटिव 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि इफ़ टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए की दो रोज जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल गिवन की हुई है कि एक ए मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी फर्स्ट रो देखो और इसकी थर्ड रो देखो, तो आइडेंटिकल है, मतलब जो इस रॉ में एलिमेंट है ना, दोनों रोज में वो इक्वल एलिमेंट है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दो रोज आइडेंटिकल हो जाएँ या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएँ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। उन्होंने उसके बाद एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये इसको एक्सपेंड किया हुआ है, तो आखिर में जो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है। सही है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0, देन डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में, अब जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक रॉ या कोई भी कॉलम 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। सही है। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने सेकेंड रॉ क्या की हुई, 0 की हुई है, तो प्रूफ इन्होंने किस तरह किया हुआ है, जनरल फॉर्म लिखी हुई है और इन्होंने क्या किया, सिंपल R2 और R1 को इंटरचेंज किया है, तो ये ऊपर आ जाएगा। सही है, R2 पर आ जाएगी, और इंटरचेंज किया तो आपको पता है नेगेटिव साइन आता है डिटर्मिनेंट के साथ। अब अगर आप R1 से एक्सपेंड करोगे, तो आपको पता है R1 के तीनों एलिमेंट जो हैं वो 0 के बराबर होंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। सही। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के, देन डिटर्मिनेंट गेट्स
मल्टीप्लाइड बाय के। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, सही है, इसका आप डिटरमिनेंट किस तरह निकालोगे? अगर आप आर वन से एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो ये इसका डिटरमिनेंट होगा। के को अभी छोड़ दो, ये आर वन से अगर आप मतलब एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास पूरा डिटरमिनेंट आएगा, सही है। अगर आप इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स से किसी भी रॉ को या किसी भी कॉलम को किसी एक नंबर से, जैसे के कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, किसी से भी आप मल्टीप्लाइड करोगे तो होगा क्या, मल्टीप्लाइड करने के बाद जब ये वाली मैट्रिक्स आएगी, जब इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो होगा ये कि जो आपका पहले मल्टीप्लाई करने से पहले जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था और जब आपने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से, तो अब क्या होगा, पूरा डिटरमिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस नंबर से, सही है। पहले आपके पास मैट्रिक्स ए थी, उसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे तो सिर्फ इतना आएगा ये पूरा, सही, के को हटा दिए मैंने, सिर्फ ये डिटरमिनेंट आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स को, इसकी आर वन को मतलब रॉ वन को के से मल्टीप्लाइड किया, तो डिटरमिनेंट भी आपका पूरा मल्टीप्लाइड हो गया के से, ये कहने का मतलब, सही। और इसी प्रॉपर्टी के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी भी रॉ में या किसी भी कॉलम में, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप पहली रॉ देखो तो ये मल्टीपल ऑफ 10 है, मतलब 10 सब में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी रॉ में से अगर कोई चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, कॉमन लिख लेते हैं बाहर, जैसे 10 मैंने बाहर लिख लिया। उसके बाद डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करो और एंड पे 10 को मल्टीप्लाई कर दो, सही है। इस प्रॉपर्टी के तहत हम फिर इस तरह करते हैं, तो किसी भी रॉ वन, किसी भी रॉ, किसी भी कॉलम से आप आराम से कॉमन ले सकते हो, वो जो कॉमन लिया होगा वो जब पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, सही है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू टर्म देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, मतलब बहुत ही इंग्लिश लिखी हुई है, मैं समझा देता हूँ है क्या इसका मतलब। सिंपल वो बोलना चाह रहे हैं, इस डेफिनेशन को ना ब्रेक कर देते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू टर्म, वो बोल रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए में उसका कोई रॉ या उसका कोई कॉलम, इधर जो इन्होंने कॉलम की एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप गौर से देखो इस मैट्रिक्स का कॉलम वन जो है, इसको हमने दो टर्म के सम में एक्सप्रेस किया हुआ है, ये कॉलम वन है, इसके जितने तीन एलिमेंट जो हैं इसको हमने दो टर्म के सम में ब्रेक किया हुआ है, ये कहने का मतलब है उनका। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी प्रॉपर्टी रो के लिए लिखी होती है उन्होंने, देखो ऑल द अबव प्रॉपर्टीज विच होल्ड फॉर रोज आर ऑल्सो वैलिड फॉर कॉलम्स, जितनी उन्होंने रो की फॉर्म में लिखी होती है ना, कि अगर रॉ जीरो होगा रॉ आइडेंटिकल हो जाएंगी, वो सब वैलिड हैं कॉलम्स के लिए भी, सेम प्रॉपर्टी कॉलम्स के लिए भी वही होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने रो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कॉलम की एग्जाम्पल है, तो एक ही बात है, दोनों में सेम ही चीज़ होगी। तो अब इस कॉलम को देखो, कॉलम वन को हमने दो टर्म के सम में ब्रेक किया हुआ है, सही, जितने भी कॉलम वन का एलिमेंट है सबको ऐसे हमने किया हुआ है, तो होगा क्या, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ टू मैट्रिक्स, जो इसका डिटरमिनेंट जो होगा अब वो एक्सप्रेस होगा दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के सम में, डिफरिंग इन द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो बट विद द रिमेनिंग रोज एज अ सेम एज डॉट एज दोज ऑफ डिटरमिनेंट ए। मेरा ट्राइपॉड आ रहा है दरमियान में, समझ नहीं आ रही। खैर, कहने का मतलब इनका ये, देखो भाई सिंपल, आपके पास कॉलम वन जो था वो दो टर्म में ब्रेक था, दो टर्म के सम में ब्रेक था, ये सब आप समझ लो, सही है। हुआ क्या कि ये पूरा डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी दो डिटरमिनेंट के सम के, और वो दो मैट्रिक्स कौन कौन सी होंगी, सिंपल आप क्या करो, पहला एलिमेंट जो है मतलब दो टर्म के सम में एक्सप्रेस किया है ना आपने, तो सबका पहला एलिमेंट क्या है, A11, इसका A है A21 और इसका A31 है, तो आप पहले ये लिखो और बाकी दो जो कॉलम्स हैं उनको एक साथ आप लिख दो, कुछ नहीं करना आपने उसके साथ। उसके बाद क्या करो, दूसरी दफ़ा एक और मैट्रिक्स बनाओ जिसमें दूसरा वाला जो, दूसरी वाली टर्म जो है उसको लिखो, α11, α21, α31, ये आप लिख दो, और बाकी दो जो कॉलम जो हैं आपने एज इट इज लिख दिया। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, ये बराबर होगा, आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो प्लस इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, ये फॉर्मूला होगा कि ए का डिटरमिनेंट बराबर है बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से प्लस सी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिंपल, कि अगर दो टर्म में एक्सप्रेस हुआ हुआ है तो आप क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो और बाकी दो कॉलम सेम रखे उन्होंने, उनको चेंज नहीं किया, सिर्फ जो जिस कॉलम में जो हरकतें हुई हुई थी मतलब सम में एक्सप्रेस हुआ हुआ था उस कॉलम के साथ आपने करना है जो भी करना है, सही है, सही है। तो ये सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी है, सेम प्रॉपर्टी रो के लिए भी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो क्या है, इफ़ द एलिमेंट ऑफ वन रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर के टाइम द एलिमेंट ऑफ अनदर रो देन डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। कहना वो ये चाह रहे हैं कि आपके पास ये मैट्रिक्स थी ए, इसकी पहली रॉ क्या थी, A11, A12, A13, थर्ड रॉ क्या है, A31, A32, A33। अगर आप सेकंड रॉ को देखो तो सेकंड रॉ के जितने एलिमेंट हैं वो कैसे आए हैं, कि आपने फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड रॉ के एलिमेंट बन गए। जैसे फर्स्ट रॉ का एलिमेंट क्या था, A11, आपने उसको के से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रॉ का पहले एलिमेंट बना दिया।
फिर फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट को आपने के से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट बना दिया। मतलब सेकंड रॉ पूरी किस तरह एग्जिस्ट हुई है, किस तरह मतलब लिखी है आपने, कि आपने सिंपल R1 रॉ वन को के से मल्टीप्लाई किए और वो आपने रॉ टू बना दिए। तो इस टाइप के डेटा, इस टाइप के मैट्रिक्स जिसमें आपने किसी भी रॉ को किस तरह एग्जिस्ट होती है कि किसी और रॉ को के से मल्टीप्लाई करके आप वो लिख दो, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। प्रूफ किस तरह उन्होंने किया हुआ है, देखो R2 में के कॉमन है ना, तीनों एलिमेंट्स में आ रहा, तो क्या किया उन्होंने, के कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगी A11, A12, A13। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये जो आई जो है ये R1 के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई किया है, तो जब आप के ले लोगे तो बिल्कुल वो एलिमेंट बढ़ जाएंगे जो R1 के अंदर है। अब आपको प्रॉपर्टी पता है सिक्स, जो पाँचवीं प्रॉपर्टी थी शायद, नहीं कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये वाली तीसरी प्रॉपर्टी थी, इफ़ टू रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल, जब दो रॉज आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के बराबर। तो अब ज़रा गौर से देखो, R1 और R2 ये दोनों रॉज आइडेंटिकल हो गई तो डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो के बराबर है। तो इस तरह उन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ की। इसकी मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आपके पास एक रॉ है 2, 4, 6, एक है 1, 3, 4, लेकिन अगर आप सेकेंड रॉ को देखो वो क्या है 4, 8, 12, और ये आई किस तरह है, मैंने पहली रॉ के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 6 को 2 से किया 12। तो सेकंड रॉ आई इस तरह है कि मैंने फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो क्या होगा, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल के देखना, ट्राई करके देखना इसको। उसके बाद फाइनल प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एडेड, अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रॉ, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनऑल्टर्ड। कहने का मतलब ये कि ये आपके पास मैट्रिक्स थी, सही है, आपने क्या किया, आपने सिंपल R2 को, R2 के एलिमेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया R1 के अंदर। जैसे R2 का पहला एलिमेंट क्या था, A21, आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, K A21, और ऐड कर दिया इसके अंदर, तो K A21 आ गया। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट था R2 का, उसको आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया R1 के अंदर। तो अगर आप इस तरह कर रहे हो कि आप किसी भी मैट्रिक्स में एक रॉ को किसी स्केलर से, किसी के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक और रॉ में ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने से पहले जो ये वाली मैट्रिक्स थी इसका डिटरमिनेंट निकालोगे और ऐड करने के बाद इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो अनऑल्टर्ड होगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है, एग्जाम्पल किस तरह दी हुई है उन्होंने, अब देखो R1 जो है ये दो टर्म के सम में ब्रेक हुआ है, वो जो पहले रूल था, तो क्या करो, सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखो A11, A12, A13। तो पहली मैट्रिक्स में उन्होंने क्या लिखा, A11, A12, A13, बाकी दो रो जो है उनको एज इज लिख दो। उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो लिखो KA21, KA22, KA33, सही। तो इस मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में ऐड किया हुआ, हमने एक्सप्रेस किया हुआ, सही। अब अगर आप गौर से देखो इस वाली मैट्रिक्स से, देखो ये चीज़ जो है ये तो एज इट इज़ ए वाली मैट्रिक्स है, सही, ये तो उन्होंने लिखा हुआ है ए का डिटरमिनेंट बराबर होगा इस वाली मैट्रिक्स का, सही। इसमें देखो ज़रा गौर से, इसमें देखो के कॉमन आ रहा है, के कॉमन ले लिया। तो अब आप गौर से देखो तो R1 क्या है आपके पास, A21, A22, A33, नहीं A21 है, A22 और A23 है, सही है। और R2 भी देखो A21, A22, A23, तो R1 और R2 ये दोनों आइडेंटिकल हो गई है ना, तो जाहिर सी बात है जो अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, के जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो आपके पास वही ए वाला डिटरमिनेंट आ गया। तो हमें प्रूव इससे ये हुआ कि जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था वो बराबर होगा अगर आप ये हरकत करो, क्या हरकत करो, किसी भी रॉ को कैसे मल्टीप्लाई करो और किसी और रॉ में ऐड कर दो, तो जब बाद में आप डिटरमिनेंट लोगे वो भी बराबर होगा जो इनिशियल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था। इस वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट और इस वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा, सही है। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अगर आप लोग सवाल में अगर याद करनी है आपने, जो एक्सरसाइज में आपके काम आएंगी वो टोटल 3-4 ही काम आएंगे, उसमें से पहली वाली ये मैंने टिक लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी काम आएगी और प्रॉपर्टी नंबर 3 काम आएगी आपके, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है कि हम कॉमन ले लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स में से, बाकी तो मैंने समझा दी लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्रॉपर्टी नंबर 7, सही। ये 3-4 प्रॉपर्टी हैं जो आपके पास सवाल में इंपॉर्टेंट है, सही। ये भी आमतौर पर हम यूज़ करते नहीं हैं, आमतौर पर यूज़ करते नहीं हैं, हम कुछ और कर लेते हैं, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।